हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह की फ़ोटो आप कैसे रिलीज कर सकते हो, जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा या कोई स्क्रीन पर दिख रहा हो या ना हो, इसे छोड़ो। आपको इस तरह की एडिटिंग कैसे करना है, ग्राफिक कुछ हल्की सी ग्राफिक डिज़ाइन टाइप की, तो आपकी थंबनेल या आपको और भी या बैकग्राउंड के लिए थंबनेल बनाना है, बैकग्राउंड के लिए मतलब एनिमेशन बनाना है। जैसे कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और मेरे पीछे में मोबाइल फ़ोन के पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड कुछ अलग से दिख रहा है मस्त, तो कूल सा। तो इस तरह की बना कैसे बनाना है तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस, और सपोर्ट करना मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आ जाना है आपको सबसे पहले अपने PicsArt पर। PicsArt पर तो PicsArt कहाँ है मेरा, PicsArt हाँ मैं ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक वाइट बैकग्राउंड चूज कर लेना है, तो मैं एक वाइट बैकग्राउंड ले लिया। तो पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ, एकदम खाली बैकग्राउंड दिखेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक डिज़ाइन बैकग्राउंड, ग्राफिक डिज़ाइन टाइप का बैकग्राउंड कुछ। तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कैसे एडिट करना है। तो हम अपना फ़ोन को लैंडस्कोप पे कर लेते हैं, तो ये हो चुका है। तो आपको जाना है यहाँ पे टेक्स्ट वाले आइकॉन पे, उसके बाद यहाँ पे आपको इस डॉट वाले ऑप्शन में कीबोर्ड पे जो डॉट का ऑप्शन है उसे क्लिक करके इसे ले आना है यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा बड़ा करना है। मैं पहले इस इमेज को ही बैकग्राउंड को छोटा कर दूँ, तो अभी के लिए मैं खाली बैकग्राउंड आपको पहले बना के लिखूँगा। अब उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे, और इसमें सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो आप देख रहे हो ना, ठीक से समझना। उसके बाद एकदम ग्राफिक टाइप का देखो, मैं एक ऑरेंज कलर का एक ले लेता हूँ, तो हल्की सी ग्राफिक टाइप की डिज़ाइन दिखेगी। तो मैं अभी देख सकते हो, अभी मैं इसको एकदम बड़ा कर देता हूँ। तो ये अभी ठीक से बना नहीं है, तो मैं इसे रेडी कर रहा हूँ, है ना। तो आप ठीक से देखना कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसका ऑरेंज थोड़ा और बढ़ा देता हूँ रेड पे, तो आप देख सकते हो ये मेरे शैडो मोबाइल फ़ोन के शैडो वाले में देखा होगा ऐसा टाइप का, मैं थंबनेल पे ऐसा ही लगा होगा। तो इस तरह का एडिट मैं सिखाया हूँ, तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ तो ये कैसे एडिट करना है। ये एडिट करने में मेरे को बहुत सालों लगा सीखने में, कैसे सीखते थे तब मेरे को एक चैनल से पता चला कि ये कैसे एडिट होता है, मतलब वो एडिट करता है तो मेरे को समझ नहीं आता था वो एडिट कैसे करता है। तो बाद में चला कि मैं कैसे एडिट करता था, मैं आज अभी को बता रहा हूँ आपको। तो मैं अभी ऑरेंज ले लेता हूँ, मेरे फालतू की बात छोड़ो। तो इसे हम थोड़ा दोनों मैचिंग हो गया, तो हम ऑरेंज को थोड़ा और ही ऑरेंज करते हैं, थोड़ा कूल लग रहा है। तो और भी कम करना है क्या, तो हल्का सा इसको और रेड कर देते हैं। तो अब देख सकते हो ये मैं कर लिया, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, डन। तो ये डन हो गया है, तो आपको दिख रहा होगा सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन। तो इसमें एक मैं आपको मोबाइल फ्रेम भी डाल के दिखा देता हूँ, तो मैं भी वीडियो यहाँ पे पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरा को नहीं दिखाना अपना वो भी कुछ भी। तो मैं यहाँ पे मोबाइल फ्रेम ला के दिखा रहा हूँ, ओके। तो एक मेरा मोबाइल फ्रेम आ चुका है, तो यहाँ पे शायद उतना अच्छा ना लगे क्योंकि मैं इसे उतना अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया हूँ, तो इसे और भी थोड़ा अच्छा कूल से डिज़ाइन करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी ये वाला देख सकते हो कैसे है, इसमें वैसे मैं इसके पीछे में कुछ फ़ोटो डाला ही नहीं, तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। अभी ये खाली खाली सा लग रहा है, तो बैक आते हैं अपन, और यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड। अब मैं जो ऐसे डिज़ाइन करने वाला हूँ ग्राफिक टाइप का, वो ऐप की लिंक मैं आपको दे दूंगा कौन से ऐप से ऐसा डिज़ाइन होता है, मतलब वो फ़ोटो मिल जाए तब इसमें आप चखा सको। तो मैं इस वीडियो फिर से वो कर रहा हूँ। तो गाइस, आपको इस तरह की फ़ोटो चाहिए होगी, जैसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो इस तरह की फ़ोटो चाहिए होगी, और इस तरह की वॉलपेपर आपको एक ऐप में मिल जाएगी, तो मैं आपको ना दे दूंगा। जैसे कि देखो मैं ग्राफिक भी डिज़ाइन करके रखा हूँ, मस्त दिख रहा है, तो ये इस तरह की आपको मिलेगी। तो ये सब आपको चाहिए होगा, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ।
तो मैं एक फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ। अब इस तरह की वॉलपेपर आपको एक ऐप से मिल जाएगी। और तुम्हें कोई ऐप जानता नहीं तो मैं एक ऐप से डाउनलोड करता हूँ वाला, तो कि ऐप लिंक मिल जाएगी कि आप देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी। तो ये सब छोड़ो, इसको आपको सबसे पहले फिक्स कर लेना है। मैं वैसा तो एडिटर नहीं हूँ, पूरा फुल डिज़ाइनर नहीं बनाऊँ, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ऐसा वाला फ़ोटो एडिट कैसे करते हो। तो मैं फुल स्क्रीन पे कर दिया हूँ, तो आप सिटी को आप कम कर देना। सबसे पहले इसको मैं अभी के लिए 100 ही रखता हूँ बैंड, और यहाँ पर देता हूँ ब्लैड में, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब इसको स्क्रीन पर कर देना है, या आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो किस में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लाइटिंग में ठीक ठाक है, बट स्क्रीन पे ठीक है। अब इसका ओपेसिटी का मैं कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से एडिट करते हैं बैकग्राउंड। मैं अभी जो बैकग्राउंड चूज़ किया हूँ उतना अच्छा नहीं है, मतलब ये वॉलपेपर है ना वो उतना अच्छा नहीं है, इसके साथ फिक्स नहीं हो रहा कलर के साथ शायद, इसलिए आप देख सकते हो इस तरह से बनता है। और ये आप पेन मास्टर में, जैसे मैं मोबाइल फोन में बना अलग वीडियो एडिट करता हूँ, मतलब मैं जब भी शूट करता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं कैमरा शूट नहीं करता, मैं ऐसे ही शूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो ऐसे ही बनाता हूँ, तो आप बैकग्राउंड में ऐसा ही बना सकते हो और कोई सा डिज़ाइन कर सकते हो, मस्त लगेगा आपको एकदम। तो मैं आपको सिखा दिया, शायद आपको ऐसा कोई सिखाया भी ना हो, या मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी वाला एडिटिंग का लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो आप देख सकते हो कैसे बन चुका है, इसमें और भी कम कर देता हूँ, तो ये बन चुका है पूरा। अभी के लिए मैं डेमो बनाया है, अब देखे नहीं हो इससे और भी कितना अच्छा बन सकता है। ये वॉलपेपर है जो मैं डाउनलोड किया वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें और भी मिल जाएंगे बहुत सारे, मैं जल्दी जल्दी भी था तो डाउनलोड किया था, मेरे पास और भी है बट डिलीट हो गया है बहुत सारा, तो फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी के लिए जो था मैं बता दिया आपको कैसे एडिट करना है ऐसा टाइप का, तो देख सकते हैं मैं ओके डन कर दिया, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। और इसमें मोबाइल फ्रेम डाल दूँ तो कुछ ऐसा लगेगा। एक मिनट में मैं फिर से पॉज कर लूँ इस वीडियो को, तो ये मैं ऐड कर लूँ एक फ़ोटो और ये मोबाइल फ्रेम, तो ये कुछ ऐसा है, आप कैसे भी एडजस्ट करके इसको आप डाल सकते हो। फिर मैं एक सिंपल सा एक एडिट कर दिया हूँ, तो ये थोड़ा फिर से हुआ नहीं है, तो ये ठीक हो गया है, थोड़ा दिख रहा है वाइट वाइट इसका, तो फिक्स हो चुका है, ऊपर का दिख रहा है, तो ये भी हो चुका है। तो अब पूरा हो चुका है, मैं वैसा एडिट तो नहीं क्यों आपको बता रहा हूँ कैसे एडिट करती इस तरह का फ़ोटो है बैकग्राउंड या ग्राफिक डिज़ाइन पिक्सल लग से भी इसको पहले एडिट करा, पिक्सल लग में भी कुछ ऐसा ही एडिट कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, इस तरह की वीडियो चाहिए तो बाय।